पच्चीस से बढ़कर बीस हजार से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत एस एस 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एस एस सी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है बीस से ज्यादा बच्चों की जिंदगी तो अब है आपकी बारी पाइए एस एस सी जी डी दो तो हजार बाईस में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र तीन सौ निन्यानवे रूपए में तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एस एस सी मेकर का फौजी बैच और करे एस एस सी जी डी में अपने सिलेक्शन को पक्का अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एस एस सी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों मैं जोगिंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस एस सी मेकर पर गुड इवनिंग सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं एक बार आप सभी जो है इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके याद रखिएगा ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी आ, एस एस के लिए यहाँ पर आप उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं आर आर और टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच है थ्री फिफ्टी में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास आपको यहाँ देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए जो है दस प्रीवियस ईयर पांच प्रैक्टिस सेट है और जो एक्सप्लेनेशन है इन क्वेश्चंस का वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है ये याद रखिएगा ये है आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में, में, में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है इनमें से कौन सा शहर है जो मध्य प्रदेश में नहीं है रायपुर ग्वालियर भोपाल जबलपुर ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट इन मध्य प्रदेश इनमें से कौन सी सिटी है जो मध्य प्रदेश में नहीं है जरा बताओ इनमें से कौन सी सिटी है जो मध्य प्रदेश में है ही नहीं ठीक है हाँ बिल्कुल जैसा कि आप सभी को पता है चौदह तारीख जो है इससे आपकी जो ग्यारह बजे वाली क्लास है सुबह वो शाम को छह बजे हो जाएगी और शाम को जो छह बजे वाली क्लास है ये आपकी सुबह ग्यारह बजे हो जाएगी ये क्या है ये हो जाएगा आपका इंटरचेंज ये दो क्लासेस जो हैं इन दो क्लासेस का इंटरचेंज हो रहा है तो ये आपको याद रखना है ठीक है इन दो क्लासेस का क्या हो रहा है इन दो क्लासेस को इंटरचेंज कर रहे हैं जो ग्यारह बजे वाली क्लास है ये शाम को छह बजे होगी और जो शाम को छह बजे वाली क्लास है ये सुबह ग्यारह बजे होगी दोनों क्लासेस जीएस की हैं आपकी तो दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है ठीक है बस ये है कि सुबह अश्विनी सर पढ़ाएंगे और शाम को मैं पढ़ाने वाला हूं ठीक है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है रायपुर ग्वालियर भोपाल जबलपुर Which of the cities is not in प्रदेश। इन में से मध्य प्रदेश में कौन सी नहीं है आज भी मैं ही आ गया मैं क्या ही बताऊं आप क्या सुनिए सर आज आने वाले वैसे वो आज आने वाले थे पर वो अब आज आने वाले हैं इसका मतलब वो कल से आपकी क्लासेस लेंगे ठीक है चलो ऊपर से आपका एग्जाम क्या ही करूं मैं <laughs> बताओ अच्छा इनमें से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है तो याद रखिएगा रायपुर जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं है अगर रायपुर मध्य प्रदेश में नहीं है तो रायपुर है कहां पर है ना हाँ ऐसा करो तुम जाओ कल आना ठीक बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक आ, जो रायपुर है ये कहां पर है ये आपको बताना है, ठीक अगला क्वेश्चन है भारत में चाय और कॉफी की फसल फसलों की किस श्रेणी में आती है वृक्षारोपण फसलें खाद्य बागवानी नगदी In India, crops, 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 आ, इन इंडिया टी एंड कॉफी क्रॉप कम अंडर बिच कैटेगरी ऑफ क्रॉप प्लांटेशन क्रॉप फूड क्रॉप हॉर्टिकल्चरल क्रॉप ऑफ कैश क्रॉप इनमें से कौन सी क्रॉप है जो चाय और कॉफी जो है इस सॉरी जो चाय और कॉफी की फसल है ये इनमें से किस श्रेणी में आती है फसलों की अलग अलग श्रेणियां है ना जैसे वृक्षारोपण फसलें होती हैं खाद्य फसलें होती हैं आपकी बागवानी फसलें होती हैं आपकी नकदी फसलें होती हैं तो ये जो चाय और कॉफी की फसल है वो इन चार में से किस में आती है वो पूछ रहा है ठीक अब मैं क्या ही बता दू नहीं वैसे मैं चौदह तारीख से शाम को छह बजे यही मिलने वाला हूं तो आप कुछ कर नहीं सकते है नहीं नहीं मेरे पास मेरे को जादू नहीं आता ना कि एकदम से इंटरचेंज कर दिया जाए जादू आता है ना तो पक्का कर देता ये ठीक है मैं घर जाके दोबारा आया हूँ सोच के देखो <laughs> मैं ऑफिस से चला गया और उसके बाद दोबारा आया हूं तुमको क्या लगता है ठीक क्या हो जाएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा चाय और कॉफी की जो फसलें हैं वो इनमें से कौन सी फसलें याद रखिएगा ये फसलें जो है ये फसले हैं ये वृक्षारोपण फसलें हैं कैसी वृक्षारोपण अच्छा कमेंट में लिखकर बताओ जो वृक्षारोपण फसलें हैं वो कौन सी फसलें होती हैं या जो हैोपण फसल है एक्चुअल में वो है क्या बताओगे अच्छा बागवानी क्या है जरा ये बताओ खाद्यान्न फसलों का कोई एक एग्जाम्पल एक 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 कमेंट में लिखकर बता दो कोई सा भी और नगदी फसल का कोई एक एग्जाम्पल बता दो चलो नगदी फसल का कोई एक या दो एग्जाम्पल बता दो आज बुधवार है ना

जो राष्ट्रपति द्वारा विधायी न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग है वो इनमें से किसकी सलाह पर करता है बेसिकली जो राष्ट्रपति है क्या है जो राष्ट्रपति है वह इनमें से किसकी सलाह पर कार्य करता है ये आपको बताना रूना सिंह कह रही हैं आपकी आदत डालनी होगी यही बोलना चाहते हो ना हाँ मैं यही बोलना चाहता हूं कि शाम को चौदह तारीख से शाम को छह बजे आपको मेरी आदत डालनी पड़ेगी मैं ही मिलूंगा यहाँ शाम को छह बजे चौदह तारीख से है ना अपना मन अभी से बना लो <laughs> है ना और ग्यारह बजे आदत डाल लेना अश्विन की वो आपको ग्यारह बजे मिलेंगे सुबह इसके लिए क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका मंत्री परिषद क्या हो जाएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका मंत्री परिषद ये याद रखिएगा ठीक है चलो आ, देखो जो मंत्रिपरिषद है यह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति जरा बताओगे सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है जो मंत्रिपरिषद है यह सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है इनमें से किसके प्रति वो पूछ रहा है ठीक चौदह तारीख को मेरी क्लास शाम को छह बजे है।, है ना <laughs> चौदह तारीख को मेरी जो क्लास है वो शाम को छह बजे है ठीक अच्छा रूप से उत्तरदायी मंत्रिपरिषद किसके प्रति तो याद रखिएगा यह है लोकसभा प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक फिलिंद होता या होती है एक अद्वितीय रंग एक भौतिक प्रतीक एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक और एक अद्वितीय आकृति एवरी एलिमेंट है नेम एंड फिलिंद बताओ जरा क्या हो जाएगा ये हुई ना बात अब आपका एग्जाम है ना अठारह तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं ऐसे में अगर क्लास मिस होगी तो दिक्कत तो आई और वैसे भी अभी दो दिन आपकी क्लास मिस होंगी मेरी क्लासेस मिस होंगी दो आ, दो दिन की तो अब उसके लिए भी मुझे कुछ करना कुछ करना ही था थोड़ा बहुत तो वो मैंने किया ही है तो अभी कुल मिला इतना है जब अवेलेबल है और जितना आपको किया जा सकता है उतना तो कर ही सकते हैं ठीक <laughs> है नहीं सुबह का टाइम वही रहेगा बाकी के सारे जो टाइम है आपके वो सेम रहेंगे बस दो क्लासेस के टाइम बदल रहे हैं एक सुबह ग्यारह बजे वाले का और एक शाम को छह बजे वाले का और ये दोनों क्लासेस एक दूसरे से इंटरचेंज हो रही हैं और कुछ नहीं हो रहा ठीक है, है? प्रत्येक तत्व का एक नाम होता है जैसे सोडियम ये एक नाम है एक तत्व है इसका अपना एक नाम है ठीक है अपने आप में अलग एक नाम है जैसे आपका पोटेशियम है ना इसका अपना एक अलग नाम है ठीक है जैसे हो गया आपका लिथियम ठीक है जैसे हो गया आपका लेड ठीक है अब देखो इनके संकेत है इसका अपना एक अद्वितीय संकेत भी है। मतलब एने सोडियम को बोलते किसी और को नहीं कह सकते ठीक है पोटेशियम के जो है वो पोटेशियम को रिप्रेजेंट करता है किसी और को नहीं करता ठीक है लिथियम एल है और लेड पीवी है ठीक है ये देख रहे हो इन्हें कोई चेंज नहीं करता ठीक बढ़िया जी बिल्कुल हम्म बहुत अच्छे बताओ जरा क्या हो जाएगा यह क्या है अद्वितीय नाम है और अद्वितीय क्या है रासायनिक प्रतीक है क्या है रासायनिक प्रतीक है यह याद रखिएगा ठीक है बढ़िया आगे देखें एक समाज सुधारक ध्यान से सुनो एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए इनमें से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है देखो क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनो Uh, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए इनमें से कौन सी बुराई है जिससे छुटकारा भारतीयों को पाना चाहिए यह बताना है ठीक है एज अ सोशल रिफॉर्मर गांधी जी बिलीव दैट इंडियन शुड गेट रिड ऑफ सोशल इविल्स बिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल इविल बाल विवाह अस्पृश्यता निरक्षरता और मुद्रास्पीति इनमें से कौन सी उनके मुताबिक जो है बुराई नहीं थी किसके आ, किसके मुताबिक महात्मा गांधी के मुताबिक किसके मुताबिक महात्मा गांधी के मुताबिक याद रखना ठीक है सोनू निशा चौधरी बासु लक्ष्मी आ, राजपूत नेहा कृष्णा विष्णु और मता निशा सुधा सुरुचि उजाला रिंकू हीरो जया ललिता निशा महेश सचिन इनोसेंट अमित सुमित सुशील किरण तुलसी बहुत अच्छे क्या देखो बाल विवाह है अस्पृश्यता है और निरक्षरता है लेकिन मुद्रा मुद्रास्पीति को जो है वो सामाजिक बुराई उन्होंने नहीं कहा है मुद्रास्पीति को सामाजिक बुराई उन्होंने नहीं कहा मुद्रास्पीति इकोनॉमिक से संबंधित है उसका सामाजिक बुराई से क्या लेना देना है ना ये भी याद रखना आगे देखो निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है में बेस्ट मोशन ऑफ द पिक्चर अवॉर्ड जो है ऑस्कर के लिए 2020 में इनमें से किसने जोड़ा है वो पूछ रहा है बताओ जरा किसने जोड़ा है ठीक सॉरी मतलब किस <coughs> किसने जीता है किसने जीता है वो पूछ रहा है आर्टिकल सत्रह है अनटचेबिलिटी का अंत है ना जो आर्टिकल सत्रह है, वो है अनटचेबिलिटी का अंत तो वो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पैरासाइट ये बहुत फेमस मूवी रही है उस समय की 2020 की है ना ये याद रखिएगा 2020 की हाँ 2020 में बीस हाँ, ठीक भय प्रक्रिया है जिसके तहत किसान इनमें से कौन सी भय प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं इनमें से कौन सी वह प्रक्रिया है जिसके चलते जो किसान है वो अब इसलिए भी पेड़ लगाते हैं कि चलो आगे चल के जब बड़े हो जाएंगे पेड़ तो उन्हें बेच देंगे और इसलिए भी लगाते हैं कि चलो कोई नहीं छाई तो मिलेगी पेड़ लगाना चाहिए है ना एक तो वाणिज्यिक और एक गैर वाणिज्यिक दोनों तरह से जब वो पेड़ लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं है ना वन संरक्षण कृषि बांधगी वन वृक्ष संरक्षण और वृक्ष बानगी फिलिंद इज द प्रोसेस बाय व्हिच फार्मर ग्रो ट्रीज ऑन देयर लैंड फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पज बताओ जरा क्या हो जाएगा कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों पर्पज से जब वो पेड़ लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं बढ़िया कोई बात नहीं हाँ, क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका कृषि बान की क्या बोलते हैं इसे कहा जाता है आपका कृषि बान की तो ये याद रखिएगा आगे देखें गांधी जी का ब्लैंक्स के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था प्रथम ब्रिटिश शासन जलियावाला बाग हत्याकांड रोलर अटैक गांधी जी कैंपेन अगेंस्ट इन टू ब्रिटिश सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एंड दिटेंशन विदाउटेंस गांधी जी का ब्लैंक्स के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था इनमें से तो कौन सा अभियान जो है इनमें से तो किसके खिलाफ महात्मा गांधी ने अभियान चलाया था बेसिकली क्या कह रहा है ये क्वेश्चन उसे जरा ध्यान से समझो क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा एक है जिसके खिलाफ गांधी जी ने क्या किया अभियान चलाया है ठीक है आ, पहचानने के लिए कि, कि किसके खिलाफ चलाया उसने कहा है कि इसमें यह कहा गया था कि जो प्रेस थी ना जो अपने भारतीयों के बारे में लिखती थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लिखती थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया प्र, ब्रिटिश ने ठीक है दूसरा ये कि इस एक्ट के तहत जब पेशी होगी ना तो आदमी को कोर्ट में पेश करने की भी जरूरत नहीं है उसके बिना ही उसे सजा सुना दी जा सकती है इसी को कहते थे काला कानून मतलब सोच के देखो मान लो तुम एक क्रांतिकारी हो उन्नीस सौ के लगभग की बात है ठीक है आप एक क्रांतिकारी हो आप पर कोई केस या कोई मुकदमा दर्ज किया ब्रिटिश सरकार ने ठीक है तो आप अपनी बात रखने के लिए कोर्ट जाओगे है ना और लेकिन एक कानून आया जिसके चलते कि आप कोर्ट ही नहीं जा सकते है ना ब्रिटिश सरकार चाहे तो वहीं से कोर्ट से ही जो है आपको कि सात साल की सजा पांच साल की सजा आजीवन कारावास नजरबंदी ये सब कर सकती है इसे कहते थे काला कानून ठीक है ये हो जाएगा आपका क्या ये हो जाएगा आपका रोलेट एक्ट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रोलेट एक्ट ये याद रखिएगा ठीक है याद रखोगे रोलेट एक्ट आया कब था आज से नहीं मैं चौदह तारीख से पढ़ाऊंगा इस टाइम ठीक है आगे एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है एप्पल कंपनी है है ना आ, उसके सह संस्थापक इनमें से कौन है वो पूछ रहा है को फाउंडर स्टीव जॉब्स पॉल एलन चार्ल्स प्लिंट और बिल गेट्स हु इज द को फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स जो एप्पल कंप्यूटर्स है इसके को फाउंडर इनमें से कौन है ठीक ठीक बहुत बढ़िया हा ना अपील ना वकील ना दलील तुलसी तोमर बहुत बढ़िया ठीक है ना एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक कौन है तो एप्पल कंप्यूटर के जो सह संस्थापक है ये हैं स्टीव जॉब्स क्या है ये हो जाएंगे स्टीव जॉब्स ये याद रखिएगा अगला क्वेश्चन देखो एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है शिमला श्रीनगर गंगटोक मनाली एशिया लार्जेस्ट गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन बिच सिटी एशिया का सबसे बड़ा उद्यान है ये इसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान है किस शहर में ये पूछ रहा है है किस शहर में ये पूछ रहा है जगह बताओ जरा कहां है पेपर नहीं देना का जीडी का पेपर देना है अगर देना है और क्लास हो रही तो तकलीफ में क्यों है? ठीक क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका बी यानी कि श्रीनगर अच्छा एक बात बताओ एक है आपकी डल झील है ना जो डल झील है ये किस नदी के किनारे है किस नदी के किनारे है जरा बताओगे डल झील अगला क्वेश्चन देखो कटिहार है ना आगे देखें प्रथम पंचवर्षीय योजना ध्यान से सुनो प्रथम पंचवर्षीय योजना फिलिंद में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो उसका मेन फोकस क्या था ये आपको बताना है इन द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एफर्ट टू टेक द कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो अर्थव्यवस्था है उसको गरीबी के चक्र से बाहर निकालना इसका उद्देश्य था ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो इनका पूरा फोकस किस पर था कृषि पर था पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसका फोकस जो है वो किस पर था कृषि पर था पूछ ये रहा इनमें से कि ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये किस समय से किस समय के बीच रही है पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो किस समय से किस समय के बीच रही है वो आपको बताना है पहली चीज दूसरी चीज जो आपको बतानी है याद रखनी है बढ़िया ठीक है ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1951 से 56, क्या हो जाएगा 1951 से 56 ये याद रखिएगा ठीक अच्छा एक बात और याद रखिएगा ये किस पे संबंधित है ये है कृषि पर संबंधित क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कृषि पर संबंधित ये याद रखिएगा ठीक अच्छा आ एक समाज सुधारक के ये तो दोबारा रिपीट हो गया मुद्रा स्पीति ये भी दोबारा दो बार कैसे अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है इनमें से कौन सा मरुस्थल है जो भारत में स्थित नहीं है बताओ जरा सिंधु घाटी का मरुस्थल बिच ऑफ नॉट लोकेटेड इन इंडिया इनमें से कौन सा एक है जो इंडिया में स्थित नहीं है बताओ जरा अरे बाहर बारिश हो गई है, पता है तुमको फैंटम बनने के चक्कर में दिक्कत ही हो जाती कौन सा मरुस्थल है जो भारत में नहीं है बताओ जरा कौन सा मरुस्थल है जो भारत में नहीं है या भारत में स्थित नहीं है हीर संजना हम्म बढ़िया क्या हो जाएगा याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका फोर यानी कि थार मरुस्थल ठीक है ओ सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं सिंधु घाटी मरुस्थल कौन सा जो सिंधु घाटी मरुस्थल है ये भारत में नहीं है अच्छा एक बात बताओ थार मरुस्थल भारत और इन, आ, पाकिस्तान दोनों में है ना जो थार डेजर्ट है आपका ये इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है दोनों में है जो थार मरुस्थल है वो इंडिया में तो है ही है साथ में पाकिस्तान में भी है वो दोनों जगहों पर है बढ़िया ठीक क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सिंधु घाटी का मरुस्थल मुझे ये बताओ सिंधु घाटी का जो मरुस्थल है वो है कहां पर आगे कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है विटामिन बीम डी के और सी बिच विटामिन एक्टिविटीज द प्रोटीन एंड कैल्शियम रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग इनमें से जो ब्लड क्लॉटिंग है इसके लिए कौन सा एक जिम्मेदार है जैसे कई बार ऐसा होता है चोट लग जाती है कुछ देर खून बंद बहता है और उसके बाद खुद खून जो है रुक जाता है आप देखोगे यहाँ ना क्लॉटिंग सी हो जाती है मतलब खून जम जाता है तो जो खून का जमाव है जो ब्लड क्लॉटिंग है इसमें कौन सा विटामिन है जो योगदान देता है वो पूछ रहा है ठीक है बहुत बढ़िया विटामिन बी वन डी के और सी एक काम और करो इन सबके रासायनिक नाम बताओ इन सब विटामिन के क्या करो इन सब विटामिन के रासायनिक नाम बताओ चलो ये काम करो ठीक इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका विटामिन के बिल्कुल ठीक ठीक है अच्छा दो और रह गए मतलब रह तो बहुत से गए पर ए और ई e. इन विटामिन के रासायनिक नाम भी बता ही दो ठीक है अच्छा एक बात बताओ जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? जल में घुलनशील विटामिन कौन से और एक काम और करो बसा में घुलनशील विटामिन बताओ बसा में जो घुलनशील विटामिन है दोनों बताओ ठीक है देखो बी का तो नाम हो जाएगा आपका थायमिन इसकी कमी से कौन सा रोग होता है कमेंट में लिखो डी हो जाएगा आपका कैलसी फेरोल ठीक है क्या हो जाएगा आपका फिलोक्विन ठीक है और सी हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक एसिड ये याद रखिएगा ए हो जाएगा आपका रेटिनॉल ठीक है और ये हो जाएगा आपका टोकोफेरॉल ठीक आगे देखते हैं विश्व uh, मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है सत्रह जून बाईस अप्रैल बाईस मई और पांच जून ऑन विच डे इज वर्ल्ड डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट ड्राउटेंट प्रिवेंशन डे सेलिब्रेटेड पूछ रहा है विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है यह किस दिन मनाते हैं ये किस दिन मनाया जाता है वो बताना ठीक है देखो जल में जो गुल्हनशील है वो क्या है वो है आपका विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में गुल्हनशील है ए डी ई और के ये चारों आपके बसा में घुलनशील हैं किसमें ये चारों जो हैं, ये आपके बसा में घुलनशील हैं याद रखना बढ़िया हम्म ठीक अच्छा विश्व में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाते हैं मनाते हैं सत्रह जून को जून को क्या है पांच जून को है विश्व पर्यावरण दिवस क्या है यह हो जाएगा आपका विश्व पर्यावरण दिवस यह याद रखिएगा इसके अलावा इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखिएगा और वो क्या है अच्छा एक बात बताओ 21 जून को क्या मनाते हैं और दो अक्टूबर को यह इंटरनेशनल बताने और इकतीस अक्टूबर इस दिन कौन सा नेशनल डे है जरा बताओ इन दिन कौन-कौन से नेशनल डे हैं आपको कमेंट में लिखकर बताने चार जानवर दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से एक समान है एक असंगत है असंगत पहचानो है ना पूछ रहा है चार जानवर दिए गए हैं ठीक है इनमें से एक असंगत है असंगत पहचानो फॉर एनिमल हैिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन सेम मैनर एंड बन इज डिफरेंट चूज द और बन बताओ हम्म यह रीजनिंग में भी आ सकता है गलती से यहां आ गया देखिए, ठीक है ट्वेंटी वन इंटरनेशनल योगा डे दो अक्टूबर है आपका इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मतलब विश्व अहिंसा दिवस ठीक है इकतीस अक्टूबर है आपका क्या इकतीस अक्टूबर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय एकता दिवस क्या हो जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस ये याद रखिएगा इसका ही सही जवाब हो जाएगा आपका कुत्ता ठीक है बिटी कल्चर क्या है अच्छा सेरी कल्चर क्या है, है ना अच्छा एक बात होता ऑनकोलॉजी क्या है जो ऑनकोलॉजी है ये क्या है ये बताओ ठीक है ठीक है, है है? है, है ना? आ, क्या है? तो याद रखिएगा, जो बिटी कल्चर है, ये है अंगूर की खेती रेशम उत्पादन के लिए है ना जो कीट उत्पादन होता है आ, वो होता है आपका सेरी कल्चर। ठीक है ऑनकोलॉजी क्या है इसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है क्या किया जाता है कैंसर का अध्ययन जो है इसमें किया जाता है ठीक है यह याद रखिएगा आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है बियना ऑस्ट्रिया न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका एमस्टर्डम नीदरलैंड जिनेवा स्विट्जरलैंड वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड डब्ल्यू जो है इसका मुख्यालय कहां पर है ये पूछ रहा है। बताओ ठीक है ना विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है यह कहां पर है बताओ जरा अच्छा एक बात बताओ आ, एक है एफ इसका मुख्यालय कहां एफ एओ इसका मुख्यालय कहां पर है यह बताओ ठीक डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां है और आई एम एफ का मुख्यालय कहां है इन दोनों का मुख्यालय बताओ ओपेक का मुख्यालय कहां पर है जो ओपेक है इसका हेडक्वार्टर कहां है जरा बताओ इनके हेडक्वार्टर के बारे में बताओ कहां, कहां पर है देखो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में ठीक है कहां पर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक है आपका ए ए आई ई इसका कहां इसकी फुल फॉर्म बताओ पहले हेडक्वार्टर बाद में बताना पहले इसकी फुल, फुल फॉर्म बताओ चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी रोम इटली में एफ एओ का ठीक है अच्छा इंटरपोल का कहां पर है? इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस ना इंटरपोल का कहां है डब्ल्यू एच ओ डब्लू टीओ आई एल ओ इन सबके हेडक्वार्टर जेनेवा में है, नादिर नूर हां नादिया नूर ठीक है एफ ए का रोम में गुड वर्ल्ड बैंक आई एम एफ का वॉशिंगटन डीसी में नाइस ओपेक का बियना ऑस्ट्रिया में है गुड आई ए रह गया बस इतना होता ही काम खत्म अच्छा आई एल ओ जो है इसकी स्थापना कहां हुई थी आई एल ओ जो है इसकी स्थापना कहां हुई थी ये बताना है। ठीक है अच्छा चार मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है बताओ जरा चार मानवीय अंग हैं इनमें से एक आ, तीन असमान है किसी तरह से और एक असंगत है बताओ जरा कौन सा ठीक बढ़िया बताओ, बताओ बताओ जल्दी बताओ इंटरपोल का लियोन्स में है जो कि फ्रांस में है वेरी गुड खुशी अरे बच्चे गलती हो गई मैं देख नहीं पाया ना मुझे लगा जिस बच्चे ने दिया था जवाब मेरे को मिल गया <laughs> आपका हो सकता है ऊपर नीचे कहीं हो गया हो देख नहीं पाया मैं ठीक है इसके लिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके बाल ठीक समझ में आया आगे देखें एडिज मच्छर इनमें से किसका बाहक है आत्र ज्वार मलेरिया डेंगू और हैजा एडिज मॉस्किटो इज द कैरियर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बताओ जरा एडीज मच्छर जो है इनमें से किस रोग का बाहक है बताओ जरा किस रोग का एक काम करो एक दो रोग बताओ कोई जो आपके विषाणु यानी वायरस की वजह से होते हैं दो रोग बताओ जो आपके जीवाणु या बैक्टीरिया की वजह से होते हैं बताओ बढ़िया ठीक है मच्छर इनमें से किसका बाहक है आंतर ज्वर का मलेरिया का डेंगू का या हैजा का तो याद रखिएगा किसका है ये है डेंगू का किसका डेंगू का बाहक है ये, ठीक है ठीक हम्म चलो भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था वाट वाज द फॉर्मर नेम ऑफ भामा एटॉमिक रिसर्च सेंसर जो बार्क है बी ए आर सी जो बार्क है पूछ रहा है इसका पूर्व नाम क्या था इसको पहले किस नाम से जानते थे नावकीय सॉरी भारतीय के विद्युत निगम परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हाँ बढ़िया बताओ जरा क्या हो जाएगा हैजा हेपेटाइटिस है ए ठीक विषाणु बढ़िया बैक्टीरिया हम्म बेटे ज़्यादा वो मत करो है ना बहुत ज़्यादा फनी नहीं बनते हैं दिक्कत ये है ब्लॉक कर दूंगा तो हो जाएगा कुछ है ना समझ रहे हो ये अभी भी यही है और मैं अभी भी वही हूँ ठीक है तो खामा खामा ब्लॉक कर दूंगा सही सलामत समस्या हो जाएगी ठीक है बताओ ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे पहले से बोलते थे परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे बाद में इसको बोल दिया गया बार्क ठीक है क्या बोल दिया गया बाद में से बोल दिया गया बार्क ये याद रखिएगा आगे द वाइट टाइगर के नामक उपन्यास के लेखक कौन है अरविंद अडिगा विक्रम सेठ चेतन भगत खुशवंत सिंह हु इज द ऑथर ऑफ उता द नोवल द वाइट टाइगर पूछ रहा है जो व्हाइट टाइगर है इसके जो उपन्यास जिन्होंने लिखा है ये कौन है इसके लेखक हैं कौन द वाइट टाइगर अच्छा हाफ गर्लफ्रेंड किसकी है ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है है ना और अस्टेबल गर्ल या अटेबल बॉय दोनों ही ये किसकी है ऑप्शन सेम है किताबें अलग अलग हैं नाम आपको बताने नहीं आज टाइम चेंज नहीं हुआ है आज आज की क्लास और मैं ले रहा हूँ फिर मैं चौदह तारीख को मिल लूंगा यहां इस क्लास में ठीक है कहला सत्यार्थी नहीं है अरविंद अडिगा है कौन है अरविंद अडिगा है ये याद रखना ठीक अच्छा विक्रम सेठ कियाबल बॉय और और मतलब एक है आ बॉय एक किताब है आ अब गर्ल दो ठीक है चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड ठीक है रेवोल्यूशन ट्वेंटी ट्वेंटी आगे खुशबंत सिंह की है ट्रेन टू पाकिस्तान खुशबंत सिंह की क्या है ट्रेन टू पाकिस्तान ठीक है आगे देखो निम्नलिखित में से तो कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है बिच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड देवदार रेडवुड चीड़ और फर इनमें से दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है वो पूछ रहा है चार में से बताना है इन चार में से बताना है दुनिया का सबसे जो लंबा आ, पेड़ है वो कौन सा है हा सही क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका रेडवुड क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका रेडवुड ये याद रखिएगा याद रखना चौदह तारीख से चौदह तारीख को आपकी सुबह ग्यारह बजे क्लास है अश्विनी सर की और शाम को छह बजे क्लास है मेरी ठीक है हाँ रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टिभम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता इसे क्या कहते हैं जैसे जैसे आप चलते हैं मान लो आप रेगिस्तान में हैं और रेगिस्तान में आप जा रहे हैं रेगिस्तान में जाते जाते अचानक आपको लगता जा है कि अरे पानी है ना भाग के गए तो पता चला रेता ही रहता है ना यह भ्रम होता है इसको क्या कहते हैं वो पूछ रहा है कई बार ऐसा होगा जब आप सड़क पे चलते हैं ना तो आप देखते हैं जैसे गर्मी वगैरह का सीजन आ, टाइम हो तो आप देखते हैं जब चलते हैं तो ज, या तो जो सड़क है उस पर ना लपटे सी उठ रही है जैसे आग होती है आग जलती है तो आग जहां खत्म होती है उसके ऊपर देखना इस तरह से लपटे सी चलती है ना एक तो वो दिखता है कई बार ऐसा दिखता है सड़क पर चलते चलते कि अरे पानी भरा हुआ है जब पास जाते हैं तो पता चलता है नहीं है ना तो ये सब चीजें एक ही हैं उन्हें कहते क्या है मृग मरीची का प्रकीर्णन परावर्तन और प्रतिवर्तन। इसको क्या कहा जाता है वो पूछ रहा है बताओ इसको बोलते क्या है आज की नवरात्रि शुरू हो गए क्या अच्छा तभी तो मुझसे स्टार्टिंग में पूछ रहे थे दिन क्या है भाई मैं कहूँ आदमी पगला गायक हो गया है जो दिन पूछ रहा है मुझसे कि कौन सा दिन है आज हम्म क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए यानी कि मृग मरीची मृग मारीच का क्या हो जाएगा मृग मरीच का जो है ये क्या है इसे कहते हैं जैसे जो दृष्टि भ्रम होता है ना रेगिस्तान में होता है कई बार जो है आपका सड़क वगैरह आप होता है जैसे हाईवे वगैरह जाते हो ना तो वहां भी आपको देखने को मिलता है ठीक है अच्छा आर आरबी और टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच है आपका 350 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव और क्लास और रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग यहां दोनों मिलेंगी क्लास नोट्स मिलेंगे फैकल्टी मिलेगी और आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपके पास एक किताब है जिसमें दस है पांच प्रैक्टिस सेट है और एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है बताओ जरा ठीक हाँ मैं नहीं समझ मुझे लगा पता नहीं दिन का है पूछ रहा भाई आसकी में डूबा हुआ है इसीलिए पूछ रहा है आसकी के दलदल में गोता लगा रहा है भाई तभी मैं कहूं यार दिन तो फोन में भी देख सकता मुझसे पूछने की क्या जरूरत है सरकार का वह कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है ठीक बताओ जरा क्या हो जाएगा हम्म आई एम सो सॉरी मुझे नहीं मालूम था गर्म करके दोबारा लो से हम्म क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आ, सरकार का बैंक जो मुख्य रूप से एग्जीक्यूशन यानी कि इंप्लीमेंटेशन यानी कि कार्यान्वयन और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से संबंधित है यह है कार्यपालिका है ना न्यायपालिका न्याय करती है विधायिका कानून बनाती है मतलब विधायिका कानून बनाएगी ठीक है न्यायपालिका न्याय करेगी और जो कानून बने हैं उनको इंप्लीमेंट करेगी कार्यपालिका उनको इंप्लीमेंट कौन करेगी इंप्लीमेंट करेगी कार्यपालिका यह याद रखिएगा ठीक 15 दिसंबर उन्नीस में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से पूर्ण था बताओ भारतीयों के आत्मनिर्भर होने के कारण पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण देश की जनता द्वारा किए गए कार्य के कारण भारी बहुमत के कारण बताओ किस कारण से इनमें तो कौन सी वजह है जिसकी वजह से पंद्रह दिसंबर उन्नीस का जो लाहौर अधिवेशन है वो क्या है आ, वो महत्वपूर्ण रहा है ठीक बहुत अच्छे पूरा जेम्स वोट वाला दिमाग तुम लगाओ यहां ठीक है क्वेश्चन में मत लगा लेना हम्म ठीक है क्या हो जाएगा क्योंकि इस दिन हमने पूर्ण स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता प्रति की मांग की थी है ना आ, पूर्ण स्वराज्य के प्रति प्रतिबद्धता प्रति के कारण जो है इसकी मांग की थी ये याद रखिएगा आगे ठीक ठीक बढ़िया हम्म हाँ सही शाहजहाँ की बेटी ब्लैंक्स ने शाहजहाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प तो परियोजनाओं में भाग लिया बेगम इसरत गुलबन बेगम रोशन आरा जहाँ आरा शाहजहा सॉरी शाहजहां डॉटर फिलिंद टुक पार्ट इन मैनी आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट ऑफ न्यू कैपिटल इस्टेब्लिश एट शाहजहाबाद दिल्ली देखो शाहजहाँ ने ना एक बार जो दिल्ली कैपिटल है अपनी यानी कि जो राजधानी है वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट की थी जब दिल्ली शिफ्ट की थी वहाँ पर जाकर जो है जब दिल्ली शिफ्ट की थी तो वहां जाकर जो है उसने शाहजहानाबाद जो है वो शहर बसाया था जब उसने शाहजहानाबाद शहर बसाया था ना उसमें पार्ट लिया था किसने शाहजहां की बेटी ने उस शाहजहां की बेटी का नाम क्या है ठीक हम्म बढ़िया क्या नाम है उसकी बेटी का हाँ बहुत अच्छे क्या नाम है नाम है जहां आरा आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था राष्ट्रगान सबसे पहले इनमें से कब गाया गया और राष्ट्रगीत यानी कि बंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया यह बताना बताओ राष्ट्रगान लिखा किसने राष्ट्रगान सबसे पहले पब्लिश कब हुआ राष्ट्रगान सबसे पहले पब्लिश कब हुआ और किस पत्रिका में पब्लिश हुआ हम्म हाँ क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका 1911 कोलकाता में <laughs> यार हाँ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है जो अधिक ऊंचे क्षेत्र है ना वहां सड़क वगैरह पर जब बर्फ आ जाती है तो उसकी सफाई इनमें से किसके द्वारा की जाती है वो पूछ रहा है है ना सीमा सड़क संगठन भारतीय हिम प्राधिकरण अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण लोक निर्माण विभाग क्लियरिंग इन हाई एल्टीट्यूड एरिया इज डन बाई बिच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से किसके द्वारा जो है आ, सफाई करते मतलब सड़क वगैरह पे जब बर्फ गिरती है और सड़क पर बर्फ भर जाती है ऐसे में जो सफाई है वो कौन करता है ये पूछ रहा है फरवरी से बड़ी तकलीफ है तुम्हें क्या बात है हाँ इस पर तोड़ती है कम वक्त फरवरी यू ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं है मुझे ठीक चलो इधर आ जाओ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई कौन करता है यह करता है बी यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कौन बी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये याद रखिएगा आगे सभी मतदाता नागरिक हैं और सभी नागरिक निष्ठावान हैं। निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा उक्त कथनों का पालन करता है अरे यार क्या रीजनिंग सारे क्वेश्चन इसी में भर दिए क्या ये दोनों क्वेश्चन मत करना इकतीस और बत्तीस ठीक निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है ब्रोमीन सिलिकॉन सीसा और सोना विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक है जो उपधातु है जरा बताओ बढ़िया हम्म बहुत बेहतरीन चलो ध्यान दो है ना आ, कौन सी उपधातु है जरा बता ना मेरा नहीं है किसने लिखा था मुझे याद आ गया बस मैं नहीं हूं ठीक है उपधातु यानी कि अर्ध धातु उपधातु मतलब अर्ध धातु कौन सी है ब्रोमीन सिलिकॉन सीसा सोना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटालॉइड पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक है जो अर्ध धातु है मेटालॉइड इतनी तेज बुद्धि नहीं है मेरी कि मैं यह काम कर सकूं हां सुन के याद हो जाता है वो बात अलग क्या हो जाएगा जैसे ही हो जाएगा सिल्के सिलिकॉन और ऐसे ही एक हो जाएगा आपका जर्मेनियम क्या हो जाएगा एक हो जाएगा सिलिकॉन और एक हो जाएगा आपका जर्मेनियम ये याद रखना महान साहित्यिक कृति मृक्षकम का लेखक कौन है सुद्रक भाष कालिदास हर्ष हु ऑथर ऑफ द ग्रेट लाइब लिटरेरी वर्क मृक्षकम इनमें से मृक्षकटिकम जो है इसका लेखक कौन है जरा बताओ जी क्या कहने <laughs> अच्छा जी चलो तुम्हारी सलाह पे अमल किया जाएगा फिलहाल मेरे दिए हुए क्वेश्चन पर अमल करो है ना ठीक क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ए यानी कि सूद्रक वृक्ष के, के जो लेखक हैं, ये कौन है यह हो जाएंगे सूद्रक यह याद रखिएगा अच्छा कालिदास की कोई रचना बता सकते हो कालिदास की कोई रचना अगर बता सको तो बताओ कालिदास की कोई रचना अगर बता सको तो बताओ ठीक हम्म आगे देखो कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक फिलिंद ब्लैंक डिवाइस है स्टोरेज डिवाइस है ये इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट बताओ जरा क्या हो जाएगा किस तरह का डिवाइस है बेटा ये तो वही वाली बात होगी खिसियानी खंबा नोच है और क्या हुआ? नहीं ठीक ये क्या हो गया मतलब जो ट्रैकर बॉल है वो इनमें से क्या है वो पूछ रहा है स्टोरेज डिवाइस है वो एक एक इनपुट है एक प्रोसेसिंग है और एक आउटपुट है बताओ जरा क्या है ट्रैकर बॉल आपने देखा होगा वो न, कैसे मतलब एक मैं तुम्हें दिखा दूँ ना ट्रैकर बॉल क्या है एक बार को अगर देख लोगे आप तो समझ में आ जाएगा मतलब माँ उसके ऊपर वो गोल सा पहिया सा नहीं लगा होता पहले वहां बॉल आती थी लगी हुई फिर बाद में वो धीरे धीरे पहिया हो गया वही है ट्रैक बॉल ठीक है ठीक है समझ गए इसका इमेज दिखाऊं चलो मैं भेजता हूं यह कौन सा डिवाइस है ये पूछ रहा है है ना ये कौन सा डिवाइस है ये पूछ रहा है देखो रुको एक मिनट मैं कहा हूं। ये देखो अरे हो जाए यार। ये हो यार देख रहे होगा ये ये ना कंप्यूटर तो हो की भेज रहे हैं इसके जरिए क्या है इसके जरिए जो संदेश है आप वो कंप्यूटर में भेज रहे हैं और जब आप कंप्यूटर में कोई संदेश भेजते इसका मतलब है इनपुट जैसे कीबोर्ड जो है कीबोर्ड के जरिए आप जो है संदेश भेजते हैं तो जब की के जरिए आप संदेश भेजते हैं तो वो कहलाता है इनपुट डिवाइस ठीक है प्रिंटर के जरिए आप कंप्यूटर की जानकारी को प्राप्त करते हैं तो वो कहलाता है आउटपुट मॉनिटर क्या है मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस है ना उसके अंदर की जो आ, आपका देखा जाए तो कंप्यूटर जो है उसके अंदर की जो डिवाइस है उसको जब बाहर देखते हैं वो क्या कहलाता है जो भी जानकारी है जो भी फिल्म जो भी चित्र आप देखते हैं वो क्या कहलाता है वो कहलाता कहला है आपका आउटपुट ठीक है क्या कहलाता है वो कहलाता है आपका आउटपुट ये याद रखिएगा आगे निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान दाचीगाम पाखल और जल्दा, पाड़ा राष्ट्रीय उद्यान विच ऑफ फॉलोइंग इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर इनमें से कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर में सिचुएटेड है मतलब स्थित है वो पूछ रहा है ठीक इनपुट आउटपुट समझते हो ना इनपुट आउटपुट आउटपुट समझ में आता है रघुबंशम कुमार सम्मम नेहा चौधरी बहुत बढ़िया अच्छा इतनी देर बाद आंसर दिया है आ, अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम ठीक बढ़िया ठीक ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान ये याद रखिएगा आगे असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क रेल सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है पूछ रहा है असम और अरुणाचल को जोड़ने वाला सबसे लंबा यह रेल भी आ, मतलब एक ही पुल है जिस पर रेल और आपका आ, सड़क दोनों है पूछ रहा है किसके बारे में बात कर रहा है कौन सा ब्रिज कौन सा पुल है वो बताना है ठीक कौन सा ब्रिज कौन सा पुल है उसके बारे में बात करनी है ठीक क्या हो जाएगा यह हो जाएगा आपका बोगी बील ब्रिज कौन सा हो जाएगा यह हो जाएगा आपका बोगी बील ब्रिज 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित होंगे बर्मिंगम दिल्ली एडिनबर्ग और पर्थ सॉरी हो गए हैं गलती से होंगे यहां होना चाहिए हुए थे 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, वो इनमें से कहां हुए थे वो पूछ रहा है ठीक कहां हुए थे ये हुए थे बर्मिंगम में विशिष्टा द्वैतवाद के संस्थापक कौन है विशिष्टा द्वैतवाद के जो सं, आ, जो संस्थापक है वो कौन है वो पूछ रहा बताओ विशिष्टा द्वैतवाद के जो संस्थापक हैं वो हैं कौन माधवाचार्य निम्बार्क रामानुजाचार्य विष्णु स्वामी हु वाज द फाउंडर ऑफ विशिष्टा द्वैत फिलोसफी बताओ ठीक है क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा ये हो जाएगा रामानुजाचार विशिष्टा द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे रामानुजाचार्य आगे निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है इनमें से कौन सी कौन सा एक है जहां पर विधान परिषद नहीं है महाराष्ट्र तेलंगाना केरल कर्नाटक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव लेजिस्लेचर काउंसिल अच्छी एक बात बताओ ध्यान से सुनो विधानसभा का कितना हिस्सा जो है आ, कितना भाग विधान तो परिषद में हो सकता है मतलब कहने का मतलब यह है जैसे मान लो विधानसभा है ठीक है विधानसभा में जो संख्या है वो है तीन सौ तो विधान परिषद जो है इसमें संख्या कितनी होगी अगर इसकी संख्या तीन सौ है सीटों की तो विधान परिषद की जो संख्या है वो कितनी होगी वो पूछ रहा है, है ना इसकी जो संख्या है वो कितनी होगी बताओ जरा ठीक हम्म hmm. तुम्हें सब जानकारी है क्या बात है है ना क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका केरल ठीक है ये क्या हो जाएगा इसका एक त्याई विधानसभा की सीटों का एक त्याई होता है विधान परिषद का विधान परिषद की सीटों की संख्या जो विधान मतलब किसी भी राज्य में किसी भी राज्य की जो विधानसभा है उसकी एक त्याई से ज्यादा उस राज्य की विधान परिषद नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकती और 40 सीटों से कम नहीं हो सकती है याद रखना यही नियम है ठीक जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहां स्थित है जोजिला टनल प्रोजेक्ट जो है यह कहां पर स्थित है तो याद रखना यह है जम्मू और कश्मीर में ओ का मुख्यालय कहां पर है जो ओ है इसका मुख्यालय कहां है तो याद रखना यह हो जाएगा आपके पेरिस में ठीक है कहां पर है यह हो जाएगा आपके पेरिस में आ बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है बेरिंग जल डमरू मध्य या बेरिंग जल संधि जो है यह किन जोड़ती है एटलांटिक महासागर और हडसन की खाड़ी आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर हिंद महासागर और जावा सागर भूमध्य सागर और एटलांटिक महासागर वाट डज बैरिंग स्ट्रेट कनेक्ट जो बैरिंग स्ट्रेट है यह कनेक्ट करती है किसे किसे तो याद रखिएगा ये कनेक्ट करती है आपका आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को देखो जैसे यह क्या है ये रशिया का हिस्सा है और यह है अलास्का अमेरिका का हिस्सा ठीक है फिर यह कनाडा वगैरह जो भी है यहां पर है बेरिंग जल संधि यहां पर है आर्कटिक महासागर और ये पूरा है प्रशांत महासागर ठीक है इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है क्या जोड़ती है आपकी बेरिंग जल संधि आगे ऑपरेशन ग्रींस एक सरकारी योजना है इसका उद्देश्य क्या है ऑपरेशन ग्रींस जो है ये एक क्या है एक सरकारी योजना है और इसका एम क्या है बांस की फसलों का विकास करना टमाटर प्याज आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना फसल शिक्षा में अनुसंधान और निवेश फसलों के सामान्य कीमत स्तर बताओ जरा क्या हो जाएगा की चौदह तारीख से हो जाएगा चौदह तारीख को शाम को छह बजे जो है वो मेरी क्लास होगी और ग्यारह बजे अश्विनी सर की क्लास होगी ठीक है जो ऑपरेशन ग्रीन से यह क्या है तो याद रखिएगा यह है टॉप यानी टमाटर प्याज और आलू के जो फसल है इसकी आपूर्ति में स्थिरता लेकर आना ठीक है यह थी आपकी आज की क्लास उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए पेन पेपर लेकर बैठिए आर आरबी एल पी और टेक्नीशियन के लिए पायलट बैच है थ्री फिफ्टी में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं लाइव रिकॉर्डिंग क्लास नोट एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन यहां आपको देखने को मिलते हैं ठीक है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए दस ईयर और पांच प्रैक्टिस सेट है और जो आपकी क्लास है वो सॉरी जो एक्सप्लेनेशन है वो एकदम बेहतरीन तरीके से होता है मैं तो रीजनिंग के लिए रोज रात आठ बजे एकदम बेसिक से जो है ये क्लास कराई जाती है अजय सर इस क्लास को कराते हैं अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और कैसे आपने एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के और कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्लास है इस क्लास के साथ जुड़िएगा यह कुछ लिंक है जैसे ये है ऐप का लिंक इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पर जाके जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें ऊपर पिन किया गया है यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ मिलेगा आपको डेली क्विज मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ठीक है आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यही शेयर करते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है यहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं यह आपके अपने परिवार एस एस मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक इसे आप जो है जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन का बटन दबाइए पेन पेपर लेकर बैठिए जो कुछ भी नया मिले उसे लिख लीजिए और जो भी आपने लिखा है उसे क्लास के तुरंत बाद एक बार रिवाइज कर लीजिए अगर आप इसे रिवाइज कर लेंगे आप इसे अपने एग्जाम तक ले जाने के काबिल हो जाएंगे आज की क्लास के लिए इतना ही नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद जय भारत